हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस सीरीज का एपी का टॉपिक, एपी का क्वेश्चन सम ऑफ सीरीज के ऊपर। बेटा क्वेश्चन देखो, बेटा क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द सीरीज गिवन है 20 19 प्लस 3 बाय 5 19 1 बाय 5 अप टू सो ऑन एन एट टर्म इज 488 एंड एन एथ टर्म बेटा नेगेटिव है, देन हमें ये टर्म फाइंड। बेटा ये 2020 3rd सितंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो बेटा, अगर वैल्यू ऑफ ए बेटा 20 है, बेटा डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था आपको, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे डी हो जाएगा बेटा, नेगेटिव डी हो जाएगा, दिस इज माइनस 2 बाय 5। बेटा आपके पास डी आ जाएगा माइनस 2 बाय 5। बेटा सम ऑफ द सीरीज, सम गिवन है बेटा इज इक्वल टू 488। बेटा Sn का फॉर्मूला अप्लाई करो, Sn सम ऑफ n टर्म्स का बेटा फॉर्मूला n बाय 2, Sn का फॉर्मूला है बेटा n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। देखो बेटा n अपॉन 2 2a 2a मींस 2 इनटू 20 प्लस n माइनस 1 इनटू d, d में आ जाएगा माइनस 2, d हो जाएगा बेटा आपका माइनस 2 अपॉन 5। क्लियर है बेटा? तुम नाउ बेटा Sn आपके पास पता है 488 488 is equal to n upon 2 40 plus 40, this term is beta minus 2n plus 2 beta 5 LCM bhi laga do aap, 5 LCM ho jayega agar this term is LCM beta 5 niche LCM use karo, this term is 200, 40 into 5 is 200। clear hai beta? नाउ बेटा जो नेक्स्ट टर्म बनेगी आपके पास नीचे 5 इंटू 2 10 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस नंबर इज 4880 इज इक्वल टू n 202 माइनस n 202 माइनस 2 बेटा 2 कॉमन करो, 2 कॉमन करोगे n 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 कॉमन करके कैंसिल करो, 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा 2440 is equal to 101 into n हो जाएगा बेटा, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा माइनस n स्क्वायर। बेटा शिफ्ट करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेटा आपके पास, दिस टर्म प्लस 2440 इक्वल टू 0 बेटा, आपके फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास 61 एंड 40। बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे एंड फैक्टर्स बन जाएंगे 61 एंड माइनस 40 एंड प्लस 2440 इक्वल टू 0 बेटा, फर्स्ट टू टर्म से आप n कॉमन करोगे, तब से भी आप n कॉमन करोगे, आपके पास जो रिमेनिंग टर्म दिखाई देगी वैल्यू ऑफ n बेटा इजीली आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी, वैल्यू ऑफ n n कॉमन n माइनस 61 माइनस 40 कॉमन n माइनस 61 इक्वल टू 0 बेटा, इससे आपके पास वैल्यू ऑफ n आ जाएगी, वैल्यू ऑफ n वैल्यू ऑफ n हो जाएगी बेटा 61 एंड वैल्यू ऑफ n 40, वैल्यू ऑफ n 61 एंड वैल्यू ऑफ n 40 बेटा कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि 60 एंड 41 पता है हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आया। नाउ बेटा आगे देखते हैं, गिवन है nth टर्म इज नेगेटिव, हमारे पास जो nth टर्म है वो बेटा नेगेटिव है, nth टर्म नेगेटिव मींस बेटा दो टर्म्स आ गए हैं, आप दोनों nth टर्म फाइंड n 61 आ गया बेटा, n 40 हो गया आपके पास। नाउ nth टर्म्स ऑफ 40 टर्म्स बेटा पहले फाइंड आउट करते हैं। nth टर्म मींस बेटा a प्लस n माइनस 1 इनटू d, वैल्यू पुट करोगे बेटा 20 प्लस 40 माइनस 1 मींस बेटा 39 इनटू माइनस 2 बाय 5 बेटा ये बन जाएगा आपके पास 100 माइनस 78 बाय 5 बेटा, ये फाइनल आंसर बन जाएगा 100 माइनस 78 मींस 22 बाय 5 बेटा, पॉजिटिव नंबर आ गया बट nth टर्म नेगेटिव है, मतलब 40 आंसर नहीं है मींस। नाउ बेटा nth टर्म ऑफ 61 टर्म फाइंड आउट, बेटा 61 टर्म की आप nth टर्म फाइंड आउट करोगे, दिस टर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a बेटा 20 है, 60 माइनस 1 मीन 60d माइनस 2 बाय 5 बेटा आप इसे कैंसिल करोगे, दिस नंबर इज 12, 20 माइनस 24 मीन माइनस 4 आ जाएगा बेटा,
मींस बेटा आपके पास जो nth टर्म आई है वो माइनस फोर आ गया आपकी, एंड माइनस फोर मीन्स ऑप्शन बी बेटा आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी फाइनल आंसर आ रहा है बेटा, ऑप्शन बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट।